हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट मुफक्कर आफाक लाशारी एंड यू आर वाचिंग इल्मे सादिक अकेडमी यूट्यूब चैनल। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द अपडेट बाय IBA अबाउट 2K21 बैच ऑफ ऑल ओवर स्टूडेंट दोज स्टूडेंट्स हु आर रिलेटेड विद सिंध प्रोविंस। आज एक खुशखबरी है के जो सिंध प्रोविंस के स्टूडेंट हैं, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए अपडेट है कि भाई आप लोगों को परेशान नहीं होना, और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए कि आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और प्रोग्राम में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा IBA सकर के हवाले से कि आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो 2K20 में जिन्होंने इंटर पास किया है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज बात करते हैं, मैं सिंधी में समझाना थोड़ा कोशिश करता हूँ कि सिंधी में भी आप लोगों को समझा दूँ और उर्दू में भी कुछ बातें बता दूँ, ताकि कुछ व्यूअर्स जो हैं वो उर्दू लैंग्वेज समझते हैं, कुछ जो है ना वो सिंधी भी, तो मिक्स करके समझा देता हूँ। IBA सकर नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, ये याद रख लें, IBA सकर के हवाले से ये प्रोग्राम रखा गया है कि देखते हैं कि भाई उसमें क्या है और आपके लिए कौन सा फ़ायदा है इसमें। सिंध सां वास्तो रखंदा ज़हन शागिर्दन जिन कहें भी बोर्ड में मैट्रिक जो इम्तिहान, इसका मकसद ये है कि भाई अगर आप लोगों ने मैट्रिक जो है 2019 में किया है तो कम अज़ कम 70% जो मार्क्स हैं उनकी परसेंटेज होनी चाहिए, और जो इंटर है आपका 2020 में, ठीक है, मैं से 12 जो इम्तिहान 2020 में 70% मार्क उनका पास किया है, ठीक है, मतलब कि इट मींस के भाई 2020 में आप लोगों ने मैट्रिक इंटर जो है वो पास किया है। तो इस हिसाब से ये स्कॉलरशिप है उनके लिए। देखें इसमें आगे क्या बोल रहा है कि इन स्कॉलरशिप के ज़रिए शागिर्दन के पढ़ाई मुफ्त में कराई वेंदी ऐं हर महीने वज़ीफ़ो पिण ॾिनो वेंदो। अचण वञण लाइ ट्रेन जी टिकट भी मुफ़्त ॾिनी वेंदी। हिन में फॉर्म ऑनलाइन भरियो वेंदो। आख़िरी तारीख़ 3 मार्च 2021 आहे। जल्द खां जल्द फॉर्म ऑनलाइन भराइण लाइ वधीक मालूमात जे लाइ ही कुझु डिटेल आहे। इसका सिंपल मक़सद इहो आहे कि आप लोगों में से कुझु ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मुख़्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि भाई हम IBA में एडमिशन ले लें, वो भी मुफ्त में, कि भाई अगर आप लोगों ने इंटर जो है वो 20 में किया है ना, तो 70% अगर आप लोगों का है तो एटलीस्ट आप वहाँ पे मेरिट बेसिस पे वो टेस्ट लेते हैं तो आपको फ्री में डिग्री लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट फीस है, मतलब फ़ीस भी नहीं है, और जो अगर आप कोई आना जाना चाहता है डेट मीन्स के किसी और डिस्ट्रिक्ट का है तो डेली बेसिस पे जाता है यूनिवर्सिटी, तो उसकी ट्रेन की टिकट भी फ्री है। तो ये IBA सकर हर ईयर एक साल मतलब ये प्रोग्राम करवाती है, पर ईयर इसका प्रोग्राम चलता है जिसके हंट प्रोग्राम के नाम से, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के नाम से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी यही करूँगा, सजेस्ट भी यही करूँगा, अगर आप लोगों का 70 से प्लस एवरेज है मार्क्स के हिसाब से 2020 में आपने इंटर किया है तो काइंडली आप लोग इनसे रابطہ करें और IBA सकर की जो वेबसाइट है उनको खोल दें ताकि उनका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करें और टेस्ट भी दें, ताकि आपकी जो इंजीनियरिंग वाले हैं, क्योंकि IBA सकर जो है वो स्पेशली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कुछ डिपार्टमेंट है उनके, तो कंप्यूटर साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ऐसे कुछ मतलब डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सारे, उसमें आप लोग BBA हो गया, BBA तो मतलब कि उनका MBA BBA ये सब करवाते हैं IBA सकर वाले। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इन चीज़ों में तो आप लोगों को अपडेट में करता हूँ, तो आप लोग कोशिश करें ताकि ट्राई करते रहें। अगर आपकी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आप समझ रहे हैं कि भाई इसमें हमारा फ़ायदा है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल दूं अपडेट करता हूं और आप लोग देखते ही स्किप कर देते हैं। स्किप करने का मकसद ये है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, किसी और को तो बता सकते हैं कि किसी और की तो ज़िंदगी अच्छी हो सकती है अगर आप लोग किसी को अपडेट करते हैं।
तो इसमें अगर आप लोगों का कोई इसमें कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होगा, तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट करवा दें। आईबीए सक्कर के हिसाब से इसमें वेबसाइट जो है वो आप लोग आईबीए सक्कर के हिसाब से टैलेंट हंट प्रोग्राम, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम लिखेंगे तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी। तो सिंपली ये आपके लिए अपडेट है, और आगे जो भी अपडेट आएंगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे अपडेट देता रहूँगा, ताकि आपका और दूसरों का फ़ायदा हो सके। कोशिश ये है कि अपडेट जो है वो एक्चुअल हो, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो इतना वेस्ट ना हो और काम की चीज़ होनी चाहिए। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को एक बार कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और उनको ऑल कर दें, ताकि नोटिफिकेशन जो भी होती है वो आप लोगों को टाइम बाय टाइम मिल सके।